में हम डेविएशंस नहीं लेते हैं। टेकिंग नो डेविएशंस। सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आर। आर इक्वल्स समेशन एक्स इंटू वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। लास्ट में हमने क्या लिखा था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, वेयर स्मॉल एक्स इंप्लाइड x माइनस x बार एंड y इंप्लाइड। सो हेयर इट इज कैपिटल x मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल y, इट इंप्लाइज वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ y माइनस समेशन x इनटू समेशन y अपॉन n। जी कैपिटल ही आना है इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूला में कैपिटल ही लिखना है आपने, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर द रूट इनटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो फॉर्मूला से देखो, पहले आपने x इंटू वाई कर लेना है, उसका टोटल ले लेना है। x और y ऑलरेडी आपको गिवन है, इन सबका टोटल ले लेना है दोनों कॉलम्स का। फिर x का स्क्वायर लेना है उसका टोटल, y का स्क्वायर लेना है उसका टोटल। ये आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तीन कॉलम्स, x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। एक्स एंड वाई यू वुड ऑलरेडी बी गिवन टू यू, राइट। शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चन। Calculate coefficient of correlation using direct method अच्छा नीचे लिख लो इसके नीचे, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर स्मॉल, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर स्मॉल। स्मॉल 50 तक जैसे वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटे x की होल वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो अगर बड़ी वैल्यू आ गई 105, 94, 86, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम तभी यूज करते हैं when x and y are small। फाइंड आउट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड 4, 6, 8, 10, 12 are the values of x. 6, 8, 10, 12, 14 are the values of y. So you can see the values of x and y less than 20 hai sab. So we can make use of direct method quite
वी जस्ट नीड टू फाइंड थ्री कॉलम्स हियर, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर. ठीक है, कर सकते हैं हम पूरा? वुड यू बी क्वाइट? यस, व्हाट हैपेंड बेटे? कौन बात कर रहे थे? आर्यन आप बात कर रहे हो? नोट करते हुए भी बातें हो जाती हैं, ऐसा तो कुछ रूल नहीं है. बी क्वाइट. करिए, अपने आप करिए, डू इट, डोंट वेट टू कॉपी डाउन. हाँ करो, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, वाई स्क्वायर फाइंड आउट करो. फाइंड आउट वाई स्क्वायर. Y square. चारों कॉलम्स का टोटल निकाल लीजिए. Positive
एंड परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. Next question. Calculate coefficient of correlation between x and y and interpret the results. Write down x y Yes, again in this question, as the values are small, the best method to choose is direct method, taking no deviations. Reason being, better value smaller, ठीक है, आप use कर सकते हो. अगर आप एक्चुअल मीन यूज करोगे तो पहले मीन निकालोगे फिर डेविएशंस लोगे, ठीक है ना. अगर शॉर्टकट करते हो तो अज्यूम्ड मीन लोगे, डेविएशंस लोगे. इसमें कोई डेविएशंस नहीं लेगी, सिंपल एज इट इज. तीन कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन विल बी सॉल्व, ठीक है. तो करें पहला कॉलम एक्स इंटू वाई, टू 18, 32, 30, 98, 128, 1 square, y square. And put the values in the formula. We have put the values in the formula. Now you need to solve it and tell me what the answer is.